रायपुर के सोएस हॉस्पिटल में ईएसआई के तहत इलाज में भी वसूली करने का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर ने ईएसआई में भर्ती एक मरीज के परिजनों से हजारों रुपए वसूल कर एक मरीज के सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन ईएसआई में इलाज होने के बाद भी मरीज के नाम पर 4000 रुपए का बिल थमा दिया गया। वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि ये सब स्टाफ के कन्फ्यूजन की वजह से हुआ है, लेकिन परिजनों को पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। दवाई का बिल थमा दिया 4500 रुपये का, तो मैं बोला इतने कहाँ से लाएंगे पैसा, गरीब आदमी है, फिर भी 4500 रुपये पेट किए हैं, उसके बाद भी और मांग रहा है पैसा। शुरू में तो बोला था ऐसे ले जाओ करके, मैं उस कंफ्यूजन को मैं था नहीं हॉस्पिटल में 2-3 घंटे के लिए, तो और हमारे जो नए एडमिनिस्ट्रेटर है वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, एक महीना ही हुआ उनको आए हुए यहाँ का, तो उन चीज़ों को अच्छी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं अभी 7 बजे आया तो मैंने आकर के पूरा मैटर को देख लिया है और चीज को सेटल कर दिया है, और पेशेंट को जो पूरी फैसिलिटी देनी है और जो पूरा ट्रीटमेंट करना है वो हम लोग करके दे सकते हैं।